वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में एक नई भर्ती के साथ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिला कलेक्ट्रेट में आई हुई भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म है, जिसका वीडियो हमने अपने जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, उसके ऑफलाइन फॉर्म को आप किस तरह से भरेंगे। तो आपके सामने उसका जो है ऑफलाइन फॉर्म दिया हुआ है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इस फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें उसका भी लिंक मिल जाएगा, और रिक्वायरमेंट की जो वीडियो होगी उसका भी लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको अपना फॉर्म को किस तरह से भरना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, राइट कॉर्नर में आपके सामने एक स्पेस दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा, रंगीन जो 3 मंथ के अंदर अंदर खिंचा हुआ हो, उस पर अपने आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं सेल्फ अटैच। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट फॉर अप्लाइड, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर BSc, BEd, BEd, टीचर, हिंदी ट्रांसलेटर, शक्ति PAT, SI किलर के लिए या फिर पियोन के लिए, नाइट वेदर के लिए, तो अटेंडेंट साइंस के लिए भी, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको वन कॉलम में जो इनके नंबर वन लिखा है परमानेंट एड्रेस है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर्स में। तो उसके बाद आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपका नाम क्या है, ब्लॉक यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे ब्लू या ब्लैक पेन से। उसके बाद आपका फादर्स नेम, यदि फीमेल अप्लाई कर रही है तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती है, या फिर अपने अगर वह शादीशुदा नहीं है तो अपने पिता का नाम लिखेगी। उसके बाद ATC, यानी कि किस एक्ट के द्वारा, यानी फिर उसके बाद पोस्ट, आपका पोस्ट कौन सा है, आपका विलेज कौन सा है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, पिन कोड आपका कितना है, और मोबाइल नंबर आपका क्या है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपका परमानेंट जो एड्रेस होगा यहाँ पर ATC इत्यादि में, पोस्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट होगा या विलेज, पिन कोड और विद मोबाइल नंबर, जैसा ऊपर लिखना है वैसा ही नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 3 नंबर में आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। 4 नंबर में आपका एज ऑन 1/1/2018 तक आप कितने मंथ, कितने ईयर और कितने डेज के हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पर 4 नंबर में फिलअप करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आप SC ST SC CBSE जनरल, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो आपको यहाँ पर फिलअप करने का पड़ेगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आता है 6 नंबर पर मेल, सेक्स फीमेल या मेल, आप कौन हो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है 7वें नंबर पर एम्प्लॉयमेंट एक्शन, अगर आपने किसी रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आपको यहाँ पर उसे लिखना पड़ेगा, उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर भी लिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सीरियल नंबर में आप 1 लिखोगे, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन पास्ट, कौन सा एग्जाम सबसे पहले पास किया, उसका पासिंग ईयर क्या था, उसकी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, मिनिमम मार्क्स आपके कितने थे, मार्क्स ऑब्टेंड उसमें से आपने कितने प्राप्त किए, और आपका जो मार्क सेकर्ड यानी कि आपकी परसेंटेज जो है वो कितनी उसमें होती है। उसके बाद आपका मान लो 10वीं था, उसके बाद 12वीं, फिर ग्रेजुएट किया, फिर BEd किया, वो आपको यहाँ पर सब कुछ अपना भरना पड़ेगा। उसके बाद आता है 9 नंबर में PH एक्स सर्विस रिपोर्ट, यदि आप PH हो, एक्स सर्विस मैन हो, स्पोर्ट्स हो, तो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा और अपनी सेल्फ टच कॉपियाँ भी उसमें लगानी पड़ेगी, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। 10 नंबर पर आता है लिस्ट ऑफ द इनक्लूज, यानी कि 10 नंबर में आपको बताऊंगा कि आपको इसमें कौन कौन से जेरॉक्स कॉपी लगानी है। डिक्लेरेशन आप पढ़ सकते हैं, प्लेस जो होगा आपका यहाँ पर, जो आपका प्लेस होगा अपना प्लेस लिख देंगे, उसका डेट लिख देंगे, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट लिख देंगे। अब ये सब करने के बाद अपनी जेरोक्स कॉपी क्या क्या लगानी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको यह फॉर्म किस तरह से भेजना पड़ेगा, इसकी कितनी फीस है, वो भी आपको इसमें बताने वाला हूँ। जैसे 10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन है HSC, उसकी लगाएंगे सेल्फ टच करके। उसके बाद आप लगाएंगे इंटरमीडिएट की ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की। उसके बाद आप लगाएंगे अपनी जेरोक्स कॉपी ME पास सर्टिफिकेट विद द मार्कशीट, जो भी आप जैसे पियोन, नाइट वेदर, साइंस अटेंडेंट उसके लिए भर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर लगाएंगे सेल्फ टच के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जो आपको क्वालिफिकेशन में चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन जो आप पोस्ट भर रहे हैं उसके हिसाब से जितने आपकी जेरोक्स कॉपी आप यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अब आपने फॉर्म को एप्लीकेशन के साथ एक बड़े लिफाफे के अंदर डाल लेंगे, उसके साथ आपका जो फीस करने का तरीका हो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी फीस होगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर के, एक बैंक ड्राफ्ट जो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि 200 रुपये का आपको फीस का बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, जो कि पहले वाले जिसका जो एड्रेस होगा, यानी कि जैसे कि आप बैंक ड्राफ्ट में जाकर अपना बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे 200 रुपये का, तो आपसे वो पूछेंगे कि आप किस एड्रेस पे से बनवाना चाहते हैं, तो उसमें आपको लिखने पड़ेगा पेलेबल एट SBI रायगढ़ इन द फॉर एवर
डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस, ये आपको एड्रेस उन्हें बता देना पड़ेगा और इस एड्रेस पे आपका जो है डिमांड ड्राफ्ट 200 रुपये का बनाकर देंगे। उसे लेने के बाद आप फॉर्म में उसका नंबर फिल करेंगे और उसे उसके साथ लगा देंगे। उसके बाद आपको इसे किस तरह से फॉर्म को भेजना होगा, यहाँ देखिए आप मोड ऑफ एप्लीकेशन, जितने भी जेरोक्स कॉपी है और डिमांड ड्राफ्ट के साथ आप जो है फॉर्म को फिलअप करके एक बड़े लिफाफे के अंदर डाल लेंगे। सबसे ऊपर उसके लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप इसे अप्लाई कर रहे हैं, और जो उसका एड्रेस होगा, पहले आप एक कॉर्नर में अपना एड्रेस लिख देंगे फ्रॉम करके, फ्रॉम अपना एड्रेस, और फिर करेंगे टू। टू के बाद जो एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा वो एड्रेस होगा आपका डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रायगढ़ा, पिन कोड 76501, और वहाँ पर आपको जो अपने फॉर्म को है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन का, रिक्वायरमेंट यूट्यूब वीडियो का, और आपका ऑफिशियली वेबसाइट का, आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।